स्टार्ट होता है अब। भाजपा ने 1998 में भी सरकार बनाने के लिए सुखराम की पार्टी से गठबंधन किया था, पर तब कहीं यह बोध हावी था कि तात्कालिक फायदे के लिए अपने मूल विश्वासों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। फुल स्टॉप। आडवाणी वे नेता थे कॉमा जिन्होंने जैन हवाला डायरी में नाम आने के बाद लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था कॉमा जबकि वाजपेयी एक वोट से लोकसभा में विश्वास मत हार गए थे। फुल स्टॉप। इसके विपरीत नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में नई भाजपा ने राजनीतिक गठबंधनों को लेकर अधिक व्यवहारिक रवैया अपनाया है। फुल स्टॉप। बेलगाम सत्ता की भूख के तहत सतत विस्तार की कामना में हर नैतिक बाधा त्यागने की तैयारी है। फुल स्टॉप। फिर चाहे पूर्वोत्तर में सरकारें बनाने के लिए दलों को तोड़ने की इच्छा हो या गोवा में चुनाव में दूसरे स्थान पर रहकर भी रातों रात गठबंधन करके सरकार बनाने की बात हो अथवा तमिलनाडु ही क्यों ना हो जहां पार्टी ने सारे विकल्प खुले रखे हैं। फुल स्टॉप। संदेश स्पष्ट है, भाजपा सत्ता हासिल करने के लिए भय और प्रलोभन के मिश्रण से राष्ट्रीय राजनीति में अपनी प्रभुत्व का इस्तेमाल करने में नहीं हिचकेगी। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा। इसके पहले भारतीय राजनीति में यदि कोई पार्टी राज्य शक्ति के सफल इस्तेमाल से लगभग
एकाधिकार वादी स्थिति में पहुंची थी तो वह इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस थी। फर्स्ट ऑफ, तब विपक्ष शासित सरकारों को बर्खास्त करना हो या महत्वपूर्ण राज्यों में कठपुतली मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करना हो, कॉमा इंदिरा के शासन वाली कांग्रेस ने लगभग सारे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को शीर्ष पर मौजूद व्यक्तित्व के अधीन लाकर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। फुल स्टॉप। लगता है इंदिरा के इसी खेल का मोदी डैश शाह की जोड़ी अनुसरण करना चाहती है। फुल स्टॉप। 2014 के बाद खंडित और नेतृत्वहीन विपक्ष के होते यह काम आसान है। फुल स्टॉप। लेकिन बढ़ते इनवर्टेड कॉमा कांग्रेसीकरण इनवर्टेड कॉमा क्लोज के कारण भाजपा के सामने तात्कालिक राजनीतिक तुष्टि के लिए वैचारिक आधार की बलि चढ़ाने का जोखिम पैदा हो गया है। फुल स्टॉप। कांग्रेस के विपरीत भाजपा के पास आरएसएस की टिकाऊ सांगठनिक मशीन है, कामा जो निरपेक्ष सत्ता की इसकी तलाश के दौरान किसी नैतिक समझौते के नुकसान की भरपाई कर सकती है। फर्स्ट ऑफ। लेकिन भाजपा नेतृत्व को भी यह समझना चाहिए कि राजनीतिक विश्वसनीयता कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है, बल्कि ऐसी चीज है, कॉमा जिसका लगातार नवीनीकरण करते रहना पड़ता है। फुल स्टॉप। ध्यान रहे कि यूपीए 2 के तहत कांग्रेस के बढ़ते घोटाले के खिलाफ भाजपा ने जो कड़ा रुख अपनाया उसने उसे सत्ता में लाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। फुल स्टॉप। इनवर्टेड कॉमा बहुत हुआ भ्रष्टाचार, कॉमा अब की बार मोदी सरकार इनवर्टेड कॉमा क्लोज ऐसा नारा था, कॉमा जो बहुत ताकत के साथ 2014 के चुनाव अभियान में गूंजा था। फुल स्टॉप। नेक्स्ट वेरा। सत्ता में 3.5 साल बाद भी
उच्च पदों के उन घोटालों की जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है। फुल स्टॉप। प्रधानमंत्री मोदी जी दावा कर सकते हैं कि उनकी सरकार पर यूपीए वर्षों के आकार के एक भी घोटाले का दाग नहीं लगा है, लेकिन कामा इसकी वजह तो यह भी हो सकती है कि जांच एजेंसियों को सत्तारूढ़ दल पर कार्यवाही की स्वायत्तता दिखाई नहीं देती। फुल स्टॉप। भाजपा यदि दागी नेताओं के साथ समझौता करना नहीं बंद करती तो देर सवेर जनता सवाल पूछेगी, कौमा जैसा कि उनके पूर्व पार्टीजन अरुण सौरी ने कहा था, कौमा क्या भाजपा गाय वाली कांग्रेस बन रही है? क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसे शेयर, कमेंट और लाइक आप ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी न्यू नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहेंगी।